अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से? मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हसन और आप देख रहे हैं गिरवान सन्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो हमारा बेसिकली है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। एचआरएफ को यूज़ करते हुए हमने अपना जो कंटेंट रेडी करना है हमारी ब्लॉगिंग के लिए या हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए, तो वो एक ऑथेंटिक या किस तरह क्या टूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है कि एक आपने जो वर्ड है या कीवर्ड है आपका उसको कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके आपने एचआरएफ जो बाई किया होगा, जहाँ से भी बाई किया होगा, तो उनकी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। हमने बाई किया है एसईओ टूल जंक्शंस .com से, तो हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। ये हम लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन किया हमने, यहाँ पे हम पासवर्ड पुट करेंगे, ये पासवर्ड पुट किया और ये हमने लॉगिन किया। तो लॉगिन करके जो हमारे प्लान में जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एचआरएफ है, मोज प्रो है, कैनवा प्रो है, सिरिलो है, वर्डाई है, ग्रामरली है और भी कुछ क्रेजी एक्स हैं और ये स्किल शेयर भी एक इसमें पार्ट ऑफ प्लान है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ हमें अभी चाहिए कि एचआरएफ की ज़रूरत है हमें, हमने एचआरएफ को एक्सेस करनी है। ये एचआरएफ को खोलेंगे हम। अच्छा, अब कल लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमने बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हमने सिर्फ कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है वो सर्च करना है, कीवर्ड पे जाना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है हमने। तो लिहाजा हम कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोई भी कीवर्ड पुट करना है, ठीक है। तो लिहाजा हम अपनी हमारी आज का जो हमारा एक कीवर्ड है वो हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा कीवर्ड है ड्रेसर, लेकिन इसमें आपका जो कीवर्ड होगा वो आपने अपने अकॉर्डिंगली टॉपिक के लिहाज से आपने इसको सर्च कर रहा। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या सर्चेज हैं इसकी, यूनाइटेड किंगडम में क्या सर्चेज हैं और बाकी मुल्कों में क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी यूनाइटेड स्टेट्स में देख लेते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। तो इसको हम सर्च करते हैं। तो ये देखें, ये इसकी जो यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 57 है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, ये ओवरऑल इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 57 है, हार्ड है, यानी कि इस पे रैंक करना काफ़ी हार्ड है। स्पेसिफिकल ड्रेसर्स पे रैंक करना काफ़ी हार्ड है, उसकी हार्ड है। तो उसकी जो वॉल्यूम है, जो सर्च वॉल्यूम है उसका, ये हम देख लेते हैं। एन एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज मंथली नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड, यानी कि एवरेज जो मंथली कीवर्ड्स की सर्चेस हैं वो 48,000 है यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि 48,000 है यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, अब ये ट्रेंड है उसका, ये बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, एवरेज जो है वो 48,000 है। ये जो लास्ट आया हमारा, आप लगा लें इसको जनवरी 2021 में, वो 58,000 वॉल्यूम जो है वो इसका सर्च हुआ है, ठीक है, इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब वो एवरेज उसने निकाली है, एवरेज उसने कहना सितंबर 2015 टू जनवरी 2021, ठीक है। और ये देखिए उसका जो ट्रेंड है वो उसने शो किया है और एवरेज जो है वो 48,000 बन गई है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ग्लोबल वॉल्यूम उसका कितना है, कि ग्लोबल पूरी दुनिया में उसकी सर्चेस कितनी है, वो 54,000 है। उसमें सबसे जो ज़्यादा शेयर है वो 88% है यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि आपका जो टारगेट मार्केट होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए। इस ड्रेसर को, कीवर्ड को जो भी आपने टारगेट करना है अपने उसमें ब्लॉगिंग में, तो आपका जो टारगेट मार्केट होनी चाहिए वो यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सर्चेज हैं तो वहाँ पर जो ये कीवर्ड है ये रैंक करेगा। बाकी कैनेडा है, कैनेडा में 4% है, यूनाइटेड किंगडम में 3% है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका में बहुत कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली है, तो इसका ये ट्रेंड आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने ये सिलेक्ट करना है नहीं करना। अगर करना है तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं अब ये हैविंग सेम टर्म्स के अंदर, ये कीवर्ड आइडिया के अंदर हैविंग सेम कीवर्ड सेम टर्म्स,
इसमें हम क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास मजीद जो कीवर्ड्स हैं, जो इससे सेकेंडरी आप कह लें कीवर्ड्स हैं, जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, तो वो हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ड्रेसर्स सबसे पहला कीवर्ड है। अच्छा, अब 30,575 कीवर्ड्स हमारे पास आ गए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम उसका है 2,96,000, टोटल वॉल्यूम, टोटल सर्च वॉल्यूम जो है इन चीज़ों का, इन वर्ड्स का, तो वो ये है। अच्छा, अब ये देखें, ये ड्रेसर्स सबसे ऊपर है, तो इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 57 है, वॉल्यूम उसका 48,000 है, ग्लोबल वॉल्यूम 54,000 है, क्लिक्स इसके ऊपर जो आते हैं वो 50,000 क्लिक्स आते हैं। अगर इसके ऊपर CPC चलाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 1.50 कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी अगर इसके ऊपर आप CPC चलाते हैं। पेरेंट टॉपिक जो है वो ड्रेसर ही है, और इसका SERP ये आप देख लें, SERP बटन शोज व्हाट द फर्स्ट सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज फॉर द टारगेट कीवर्ड्स लुक लाइक अलोंग विद सम यूजफुल SEO मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स क्या हैं उसके SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP स्टैंड्स फॉर क्या करता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि जो पहले टॉप 10 गूगल के ऊपर जो 10 पेजेस होंगे वो क्या हैं, उनकी सर्चेस क्या हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो अब ये नीचे जाएंगे तो ये आपको एक SERP ओवरव्यू दे देगा आया कि आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कीवर्ड, वहां से आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो अभी ये डाटा फेच कर रहा है, तो ये उसने हमें पहले जो टॉप 10 है, जो पहले जो 10 पेजेस हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं टॉप 10 में, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उसने हमें बता दिए। अच्छा, अब सबसे पहले रिजल्ट्स जो आ रहा है वो IKEA का है, IKEA.com है, ठीक है। उसमें ट्रैफिक जो वो उठा रहा है इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है, 91,000 ऑलमोस्ट वो उठा रहा है कीवर्ड ट्रैफिक उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है, target.com है, फिर wayfair.com है, फिर ashley फर्नीचर है, walmart.com है, फिर biglots.com है, amazon देखें सातवें नंबर में है सर्च में, ठीक है। तो और वो 6,000 ऑलमोस्ट 6,000 की जो ट्रैफिक है वो इस कीवर्ड से वो गेन कर रहा है, और 8th में भी amazon है। अच्छा, 9th पे होम डिपोर्ट है, ठीक है। ये होम डिपोर्ट जो है ये राइटिंग वाली है। अब इसके ऊपर ये जितने भी हैं IKEA सेलिंग वाली है, ठीक है, टारगेट मेरे ख्याल में ये भी सेलिंग वाली है, बिफेयर भी सेलिंग वाली है, यानी कि सेल करते हैं ये लिखते नहीं है, ये ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग हम करते हैं, सेल वाली है। ऐशले भी सेल वाली है, वॉलमार्ट भी सेल वाली है। ये बिग लॉट को हम देख लेते हैं कि ये कौन सी है, ये हम इसको क्लिक करेंगे। अमेजोन डेफिनेटली सेल वाली है, अमेजोन ये भी सेल वाली है। ये होम डिपोर्ट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये, अच्छा ये देखिए ये भी सेल वाली है, ठीक है। ये उसने सेलिंग यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, बता नहीं रहे, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये जो है biglots.com, ये भी यानी कि ई कॉमर्स का स्टोर आप कह रहे हैं, यहाँ पे उसने हमें एक्सेस नहीं दी, ठीक है। तो ये भी कभी कभी इशू आ जाते हैं, तो ठीक है। होम रिपोर्ट लिखने वाली है, यानी कि वो ब्लॉगिंग वाली कह लें या एफिलिएट वाली कह लें कि वो वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट। तो लिहाजा आप इसको अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम इसको ले लेते हैं, इस वर्ड को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके ये हमने एक एक्सेल की फाइल जो है ये हमारे जो कंटेंट होगा जो हमारे कीवर्ड्स होंगे उस पे हम पुट कर रहे हैं इनको, ठीक है। और ये अंडरलाइन आ गया, यहाँ से आप राइट क्लिक करें और ये रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ये हो गया पहला हमारा, सपोज कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद है ड्रेसेस फॉर सेल, ठीक है। ड्रेसेस फॉर सेल्स ये बेसिकली होगा उसके लिए सेल्स के लिए होगा, ये हमारे लिखने में नहीं आता, यानी कि ब्लॉगिंग के लिए यूजफुल नहीं है। अच्छा, अब तो ये तो इतने कीवर्ड्स हैं तो हम किस तरह इसको वन बाय वन करेंगे, तो हम लिहाजा फिल्टर एक लगा लेते हैं,
कीवर्ड डिफिकल्टी, अच्छा 57 का जो कीवर्ड डिफिकल्टी ये 31 की है, इस पे हम रैंक हम नहीं कर सकते, रैंक करना इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लिहाजा हम न्यू भी हैं तो हम जो है वो एक कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम हम रखते हैं 0 और मैक्सिमम जो है वो 20 हम रख लेते हैं, यानी कि 20 से रैंक करना, 0 से 20 तक रैंक करना हम इजीली एज अ न्यू भी हम रैंक कर सकते हैं। तो लिहाजा हम उसको कीवर्ड डिफिकल्टी पुट करते हैं। तो हम अब जिन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी 0 to 20 होगी वो हमारे पास निकाल के वो ले आएगा। अब जो हमारे पास बाकी बचे हैं, पहले 30,000 थे, अब ये 1,764 कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, और जिनकी डिफिकल्टी 0 to 20 है। अब ये देखें आपके इनका कीवर्ड डिफिकल्टी, इसकी 13 है, 4 है, 2 है, 7 है, 1 है, 16 है, तो 12 है, तो 20 से अबव नहीं होगी, ठीक है। ये 18 है, ये देखें ये लार्ज ड्रेसर्स हैं, 18 है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, 13 है, 0 भी है। तो सॉरी, एज अ न्यू भी आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने जो लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले हैं वर्ड वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें उसका वॉल्यूम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम है जो सर्च वॉल्यूम इसका 3,500 है, यानी कि आप कह लें कि 3,500 इसका 3,500 इसका सर्च वॉल्यूम है, इसका 3,100 है, 2,800 है। तो इसको भी हम, अगर वॉल्यूम को भी हम सेलेक्ट कर लें कि वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम किसी कीवर्ड का 500 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट वो जो कीवर्ड्स हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अब ये वो देखें, अब 1,000 थे, अब 29 कीवर्ड्स हमारे पास बच गए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 0 to 20 और उनकी सर्चेज मिनिमम 500 होनी चाहिए। अब ये जितने भी हमारे पास आएंगे कीवर्ड्स आएंगे उनकी 500 से लेस नहीं होगी सर्च वॉल्यूम, ये इतना मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए आपका, जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमम वॉल्यूम इतना होना चाहिए, 500 से लेस ना हो, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे हमारे पास 29 कीवर्ड्स आ गए हैं, जो मेन कीवर्ड था वो तो हमने उठा लिया, अब इन कीवर्ड्स की भी हम चेक करेंगे कि आया कि इनको भी चूज़ करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। अब वाइट ड्रेसर्स हैं, ये टाइप्स ऑफ ड्रेसर्स में आ जाएगा, तो इसमें हम ये SERB इसका चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो टॉप 10 में वेबसाइट्स हैं वो कौन सी रैंकिंग कर रही हैं, कौन सी रैंक्स हैं। अच्छा, कौन सी रैंक कर रही है ये अब देख लेते हैं कि सबसे ऊपर जो है पहले नंबर पे वेफर है, ठीक है, ये भी सेलिंग है, होम डिपोर्ट लिखने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टॉप 10 में है क्या हम टॉप 10 में फॉल कर सकते हैं, क्यों, क्या उनकी ट्रैफिक जो है वो जो कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि क्या हम भी उस पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लिहाजा ये लिखने वाली है, अगर तो ये सेलिंग वाली होंगी, जैसे ड्रेसर्स के कीवर्ड में था कि वो सारी सेल वाली थी, तो लिहाजा हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें देखें ये लिखने वाली है, अगर ये लिख के यहाँ पे सेकंड इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं तो हम भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो इसका सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक यहाँ पे ये ट्रैफिक नहीं उठा रहा है, 5,865 की ट्रैफिक ये मंथली उठा रहा है इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट, तो लिहाजा हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं, अमेजोन थर्ड नंबर पर है, टारगेट है, वॉलमार्ट है, ओवरस्टॉक है। अच्छा, अब देखिए जो लास्ट कीवर्ड था उसमें ये होम डिपोर्ट 8वें या 9वें नंबर पे थी, ठीक है, लेकिन अब ये इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है सेकंड प्लेस पे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लिखने वाली भी, जो ब्लॉगिंग वाली है, जो एफिलिएट मार्केटिंग वाली है, वो भी वेबसाइट इस पर रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे, तो लिहाजा हम इसको डेफिनेटली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वाइट ड्रेसर्स ये कीवर्ड जो है ये हम चूज कर लेंगे। हम जाएंगे अपनी एक्सेल की शीट पे, हम इसको कंट्रोल वी कर लेंगे और यहाँ से इसको आप ये कर लें। अच्छा, मिनिमम आपके पास 10 कीवर्ड्स होने चाहिए, जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 10 होने चाहिए, ठीक है, तो तब जो आपका आर्टिकल है वो एक अच्छी शेप में या उसको स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब ये वॉलमार्ट ड्रेसर्स हैं, ठीक है, अब ये वॉलमार्ट ही को रिलेट कर रहा है। अब देख लेते हैं इसकी सर्चेज, देख लेते हैं इसकी टॉप 10 की रैंकिंग देख लेते हैं, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आया कि इसको हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले भी वॉलमार्ट है, दूसरे नंबर पर भी वॉलमार्ट है, थर्ड वॉलमार्ट है, इमेज देख लेते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ,
इवन के 10th नंबर पे भी, 10वें नंबर पे भी वॉलमार्ट है। अच्छा, अब ये इस पे लिखने वाली तो है नहीं कोई भी, तो लिहाजा आपके मुताबिक आप क्या क्या करना चाहिए आपको, हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें करना चाहिए। इसमें लिखने वाली हमें कोई नहीं मिली, ठीक है, और अमेजोन भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, तो लिहाजा ये वॉलमार्ट की ही होगी, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो पहले उस पे है जो ड्रेसर्स है, अच्छा टॉप टॉप कीवर्ड इसका ड्रेसर है, ड्रेसर के कीवर्ड्स के अंदर ही वो वाइट वॉलमार्ट ड्रेसर जो है वो आ रहा है। ये भी वॉलमार्ट ड्रेसर है, वो वॉलमार्ट बेडरूम ड्रेसर्स है, ड्रेसर्स एट वॉलमार्ट है, यानी कि ये पेरेंट टॉपिक है उसके। हम इसको चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अमेजोन या उससे आ जाएंगे तो फिर भी हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो बिग जाइंट हैं, ठीक है, वेबसाइट्स, वॉलमार्ट को हम कर सकते हैं, जैसे अमेजोन है या ई बे आ जाएगा या और बड़ी अगर आ जाती है, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 4 है, तो उसकी सर्चेज वॉल्यूम है, तो लिहाजा हम अगर यही रैंक कर लिया तो हम इस पर आ सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम भी शेयर यहाँ से ट्रैफिक का उठा सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम जाएंगे अपने कीवर्ड्स पे, कंट्रोल वी करेंगे, हाइपरलिंक रिमूव कर दें और यहाँ से इसकी डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लें और इसको फौरन ही सेव कर लिया करें, ठीक है। अब हम जाते हैं टारगेट। अच्छा, अब ये टारगेट है तो ये भी उसी के से रिलेटेड होगा, जैसे वॉलमार्ट से है वैसे ही टारगेट जो कंपनी है उससे रिलेटेड होगा, तो इसका भी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी क्या है। ये देखें, ठीक है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांच पे, हर नंबर पे टारगेट ही शो कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसको भी हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसको भी हम उठा लेते हैं, इसको भी चूज कर लेते हैं, टारगेट जो है टारगेट ड्रेसर्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लिए, लिहाजा इसको भी एक ही वेबसाइट है, तो लिहाजा हम दूसरे, तीसरे या चौथे टॉप 10 में फॉल होपफुली के कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टॉल ड्रेसर है, इसको सर्च कर लेते हैं, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 7 है, वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो इसको हम एक एनालिसिस इसका भी कर लेते हैं। वेफर है, आइकिया है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, टारगेट है, ये आई डोंट नो कि कौन सी वेबसाइट है, शॉपिंग ये भी मेरे ख्याल सेलिंग वाली है, ओवर स्टॉक भी सेलिंग वाली है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दूसरी वेबसाइट नहीं मिल रही जो लिखने वाली हो या ब्लॉगिंग वाली हो वेबसाइट, तो ये अभी देख लेते हैं। ये भी उसकी एक आप क्या लेंगे, एक टाइप ड्रेसर की एक टाइप हो सकती है, ठीक है, ये ड्रेसर है उसकी टाइप है, ये भी सेलिंग वाली है, ये सारी सेलिंग्स वाली है, लिहाजा हम इसको चूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लिहाजा इसको भी हम चूज कर लेते हैं कि टॉल ड्रेसर्स की टाइप्स में हम डाल देंगे इसको। ये हमने इसका हाइपरलिंक रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 पांच कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिक हमारे पास आ गए हैं, हम और भी सर्च कर सकते हैं, इनको देख लेंगे, ब्लैक ड्रेसर्स हैं, डेजर्ट्स वॉलमार्ट हैं, किड ड्रेसर्स हैं, वेफर ड्रेसर्स हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो टॉप के हैं ये वॉलमार्ट से रिलेटेड है, ये टारगेट से रिलेटेड है, ठीक है, ये वेफर से रिलेटेड है, तो हम वुड ड्रेसर्स इनको सर्च कर लेते हैं, इस पे कौन कौन सी रैंक कर रही है। तो आपके 10 मिनिमम आपके होने चाहिए, 10 जो है, तो 10 आपके कीवर्ड्स हैं वो आपने चूज कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पे होम डिपोट आ रहा है, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो इस कीवर्ड से गेन कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे हैं, तो हम लिहाजा हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ड्रेसर्स। अच्छा, ये आपने 10 कर लेने, हम इसको नेक्स्ट जो स्टेप है वो इस पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने LSI है वो, बाकी जो है वो कैसे करना है, तो
अभी देखते हैं हम। अच्छा अब ये 10 आपने कर लेने, सिलेक्ट कर लेने आपने अपने अपने कीवर्ड्स। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो नीचे कीवर्ड्स आइडियाज के अंदर क्वेश्चंस हैं, इनको भी हमने देखना है कि इनका भी एनालिसिस करना है कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। ये भी हमारे कीवर्ड्स ही आएंगे, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप कहने कि ये हो सकते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ये गूगल में सर्च करके आपको बताए हैं कि इतने ये हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो ऑडियंस है वो करती है, इस तरह के क्वेश्चंस करती है। अच्छा अब वेयर टू बाई चीप ड्रेसर्स है, हाउ मच डू हेयर ड्रेसर्स मेक, ठीक है। वेयर टू गेट चीप ड्रेसर्स, हाउ टू मेक ड्रेसर्स, हाउ टू मेक ड्रेसर्स, यानी कि ये आपका कीवर्ड हो सकता है, इस पे आप लिख सकते हैं इसको। वेयर टू फाइंड चीप ड्रेसर्स, वेयर टू बाय ड्रेसर्स, वेयर आई कैन फाइंड चीप ड्रेसर्स, हाउ मच डू यू टिप हेयर ड्रेसर्स, ठीक है, हाउ मच टिप हेयर ड्रेसर्स, हाउ टू पेंट ड्रेसर्स, ठीक है। ये कीवर्ड आपका बिल्कुल जो है वो होना चाहिए, यानी कि आप इसमें गाइड कर देंगे दूसरों को कि हेयर ड्रेसर को पेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी मुझे लग रहा है कि लिखने वाली हैं, क्योंकि आपको जो सेलिंग वाली होगी, जैसे अमेजोन है, वो बताएगा नहीं आपको कि किस तरह करना है, कि किस तरह पेंट कैसे किस तरह करते हैं। ये देखें, ये 6th नंबर पे बैठ के ये बिगनर्स गाइड, ये देखें ये बिगनर्स गाइड है, ये गाइडेंस गाइड करेगा हाउ टू पेंट द फर्नीचर, ठीक है, पेंटिंग फर्नीचर। तो ये जो है ये आपका कीवर्ड, ये आपकी LSI आपके उस आर्टिकल में लाजमी तौर पे आना चाहिए। ये जो कीवर्ड है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चंस भी हमारे टॉपिक में, हमारा जो आर्टिकल होगा उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो फिर जो है वो एक हमारा अच्छा जो इम्पैक्ट है वो आएगा, हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। और इस तरह आपके पास जितने भी आ सकते हैं या जितने भी आपको लगे सूटेबल के, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ले लीजिएगा। अब आपको एक आइडिया तो हो गया कि किस तरह हमने सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस, किस तरह लेने हैं LSI या सेकेंडरी कीवर्ड्स किस तरह उठाने हैं, या सेम टर्म्स से जाके कीवर्ड्स की कैसे हमने इवैल्यूएशन करके उनको सेलेक्ट करना है। तो ये एक बेसिक एक 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 है कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे आपने करनी है अपने आर्टिकल में। तो होपफुली के आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई सजेशन हो, आप कोई आप माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।